हैंडबॉल एसोसिएशन लखनऊ द्वारा गत दिनों छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ भिलाई की कार्यकारिणी को भंग कर तदर्थ कमेटी बनाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के पदाधिकारी ने हैंडबॉल एसोसिएशन लखनऊ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि हैंडबॉल एसोसिएशन को छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ की कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार ही नहीं है। कि हैंडबॉल एसोसिएशन के नाम से 2022 में आनंदेश्वर पांडे ने एक फर्म का गठन कर लिया और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से आपसी मतभेद के कारण इनका कोर्ट में केस गया, जहां रजिस्ट्रार हरियाणा ने इनका जो आवेदन को रद्द करते हुए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष अब मिस्टर दिग्विजय सिंह चौटाला और प्रिंसिपल सरूजा को सही माना। उसके बाद उन लोग हाई कोर्ट गए पांडे जी ने। हाई कोर्ट में भी सलूजा की जीत हुई। 3 बार हरियाणा कोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंदेश्वर पांडे की जो एसोसिएशन बनाए थे, हैंडबॉल एसोसिएशन ब्रैकेट में इंडिया लिखा हुआ था, उसको उन्होंने रद्द करते हुए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सही संस्था है करके जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन्होंने इस हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मिस्टर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष और श्री प्रीतपाल सलूजा वाली संस्था को सही मानते हुए उन्होंने ओलंपिक संघ के इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार के बीच में हम लोग उनसे जुड़े थे, जो 1 साल से हम उनसे अलग हो गए थे, जिसमें समीर खान जॉइंट सेक्रेटरी था मिस्टर पांडेश्वर की टीम में, तो हम उनसे अलग हो गए क्योंकि हम 2001 से हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलेटेड हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई नए एफिलेशन वाले खेल में जाएं। इस प्रकार के उन्होंने एक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि उन्होंने एक छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ को भंग कर दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ को भंग करने का किसी अधिकार नहीं है। कि छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन भिलाई नगर एक फर्म सोसाइटी से रजिस्टर्ड है और इनकम टैक्स 1280 से रजिस्टर्ड है और खेल युवक कल्याण विभाग से भी रजिस्टर्ड है और नीति आयोग NGO से भी रजिस्टर्ड है। इस प्रकार के पूरा लगातार 1998 से लेकर अभी तक पूरा ऑडिट और उसका RT हम भरते हैं और हमारे पास उसका पैन कार्ड सब कुछ है और हमारे पास 17 डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने जो बनाया है, कोई जितने मेंबर को बनाए कोई डिस्ट्रिक्ट के कोई पदाधिकारी नहीं है। इस प्रकार का एक जाली हैंडबॉल संघ का घोषणा की है जो कि गलत है। आपका नाम क्या है? मैं समीर खान, सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन। जैसा कि ये मामला सामने आ रहा है, हैंडबॉल एसोसिएशन का गठन करने का प्रयास किया जा रहा है, आप पहले उनके साथ में थे बतौर नहीं जॉइंट सेक्रेटरी। ऐसा क्या हुआ कि आपको वहाँ से मतलब छोड़ना पड़ा और इस मामले में आप अपनी राय क्या रखते हैं? एक्चुअली ये पहले हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मुझे जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पे बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इनके आपसी मतभेद के चलते वो जॉइंट हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अलग हो गए उनसे और उन्होंने अपना एक हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया करके एक अलग संस्था बना ली, जबकि हम हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, शुरू से हम उसी में रजिस्टर्ड हैं, तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम कोई नई संस्था के साथ जाएं और जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसे कोर्ट द्वारा भी मान्यता दी गई है, तो हम उसी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। तो अभी जो जैसे बता रहे हैं हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया, क्या ये एफिलेटेड हो चुकी है? नहीं, ये कहीं से भी एफिलेटेड नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को ही मान्यता प्रदान है। ये जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में, ये टोटली फर्जी है। भिलाई के कुछ लोग खेल में राजनीति ला रहे हैं
और जिससे भिलाई में खेल को खराब किया जाएगा जो हम होने नहीं देंगे। और इसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन में करेंगे।